हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई साहब कौन है, तो हम आपको ये बता दें कि ये भाई साहब जो है पोठिया प्रखंड से बिलोंग कर रहे हैं और पोठिया प्रखंड के रहने वाले भी हैं, प्रत्याशी हैं ये कोशियारी गांव के। गांव इनका कोशियारी पड़ता है। तो हम आ चुके हैं वहाँ पर जहाँ आप नहीं सोच रहे होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पहुँचे हैं जहाँ आप नहीं सोच रहे होंगे, तो आपके मन ही मन में सोच रहे होंगे कि भाई मुस्तफा भाई क्या खाली यही सब कर रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ये हजरत भी हैं, ये नाज शरीफ अच्छा पढ़ते हैं। जैसे हमारे सीमांचल में साबिर परवाना सुरजापुरी के नाम से होते हैं, वो बहुत मशहूर अभी हैं नातख्वा, तो हूबहू उन्हीं के शक्ल में हैं, देख लीजिए आप, है ना, बिल्कुल मिलता जुलता है। इनका चश्मा भी लगाइए ना, साबिर परवाना जो है चश्मा भी लगाते हैं, तो उन्हीं के हूबहू हैं। और ये भी नात पढ़ते हैं, बहुत अच्छा नात पढ़ते हैं। तो इनका चैनल का नाम क्या है सर? मस्तान कबीर कादरी कलाम। देखिए ये साबिर परवाना के तरह, देखिए चश्मा भी साबिर परवाना के ही तरह है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम। तो आपके मन ही मन में सोच रहे होंगे या ख्याल है कि भाई कहाँ पर चले गए हैं, तो ये साबिर परवाना 2 मिल गया इनको, तो देख सकते हैं कि हम वहाँ पर हैं। हम बताएंगे तो नहीं, आप अगर पढ़ने वाले हैं तो पढ़ लीजिए कि हम कहाँ पर हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए उर्दू भी है, हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ठाकुरगंज। हम यहाँ ठाकुरगंज पहुँचे हैं और भाई जान जो है पोठिया से हमसे मुलाकात करने आए हैं। हम भी इनके पास आए हैं, इनके घर नहीं जा पा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कभी ज़रूर आएंगे और कभी ज़रूर जाएंगे। तो ये रहा ठाकुरगंज के रेलवे पटरी यहाँ है, पता नहीं वो आगे से ट्रेन आती जाती रहती है यहाँ पर। तो हम ठाकुरगंज में अभी प्रजेंट हैं, ठीक है। मेरा घर तो आप लोग को पता ही है कहाँ है, और हम यहाँ ठाकुरगंज में प्रजेंट हैं अभी। और लीजिए भाई थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम है मुजम्मिल अख्तर। ये मुजम्मिल अख्तर घर हुआ मेरा, और ये इनका जो यूट्यूब चैनल है वो मस्तान कबीर कादरी नाम से है। जी ठीक है, अच्छा जी, तो मस्तान कबीर कादरी। ये जो भाई साहब से जो हम अभी बात कर रहे हैं, क्या नाम है इनका? गुलाम मुस्तफ़ा सलामी। शम्मा बुझ गई तो वो फिर से जल सकती है, बोलिए सुभान अल्लाह। शम्मा बुझ गई तो वो फिर से जल सकती है, किश्ती तूफा से निकल सकती रहे। घबराओ नहीं गुलाम मुस्तफ़ा भाई, एक ना एक दिन आपकी तकदीर बदल सकती है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक ऐसी बात में भाई के नाम से अच्छा जी, बढ़िया सा एक नात कर दीजिए, बढ़िया गुनगुना दीजिए। कितना मिनट का हुआ ये? हाँ ये हो गया 2 मिनट का। चलिए पर थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा ठाकुरगंज देख लीजिए, लोगों को पता लगेगा ठाकुरगंज में आया हूं। जी जी, इनका नाम सुन लीजिए। पर आपसे मिलने का, भाई से मिलने का मुझे बहुत ख्वाहिश था, पर बहुत शौक था। गुलाम मुस्तफ़ा भाई से बहुत दिन से मिल लिए, बढ़िया नात। शेर समाप्त कर लीजिए। इरशाद। एक मरतबा बाबा जे बलंदर शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन सलाम अलैका या हबीब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर समाप्त कीजिए। इरशाद। दिन ढला शाम ढले रात होई घर जाने दो। दिन ढला शाम ढले रात होई घर जाने दो। दिन ढला शाम ढले रात होई घर जाने दो। दिन ढला शाम ढले रात होई घर जाने दो। मुझको मिलना है नबी से मुझे मर जाने। वाह क्या कह दिया। वाह, मिलना है नबी से मुझे मर जाने दो। वाह क्या कह दिया। समाप्त कर लीजिए। इरशाद इरशाद, बोले मचल कर सुभान अल्लाह। अब जुलेखा की नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली। सुभान अल्लाह। अब जुलेखा की नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली। अब जुलेखा की नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली। अब जुलेखा की नहीं यूसुफ की कटेगी उंगली। जिक्र सरकार का चेहरा तो नजर आने दो। सरकार का चेहरा तो नजर आने दो। दिन ढला शाम ढली रात हुई घर जाने दो। मुझको मिलना है नबी से मुझे मर जाने दो। वाह क्या कह दिया। मेरा दिल कर रहा है मुस्तफा भाई को जाने ना।
ये देखिए हम लोग यहाँ पर नाद गुनगुना रहे थे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, कौन सा ठाकुरगंज प्लेटफॉर्म है, ठाकुरगंज प्लेटफॉर्म है। हम लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर जो है क्या है ना कादिर मस्तान कबीर कादरी नाथ, इनकी यूट्यूब चैनल है मस्तान कबीर कादरी नाथ। तो इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से जो है नाथ को गुनगुनाया है, और इनके नाथ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सुनिए, फॉलो कीजिए। नाथ में कुछ ना कुछ दम है, कुछ ना कुछ तो बात है, नाथ को सुनिएगा तब पता लगेगा कि नाथ क्या है। तो अंत तक बने रहिए, और अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिएगा हज़रत ने नाथ अच्छी पढ़ी है या फिर अच्छी नहीं पढ़ी है। ठीक है, खुदा हाफिज़।